मैं हूं अर्चना और मेरी आज की रेसिपी है ब्रेड रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी, स्पाइसी और टी टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जब चटकना स्टार्ट करेगा तो उसमें डालेंगे 2 चम्मच कूटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक और मिर्ची को चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको कुछ सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 10 से 15 काजू के पीसेस, 2 चम्मच किशमिश, इनको भी मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे कुछ सेकेंड के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मीट मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। स्पाइसेस को कुछ सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे, हाई फ्लेम पे सॉटे नहीं करना है। इसके बाद इसमें डालेंगे मैश और बॉयल्ड आलू, यानी कि उबला हुआ मैश किया हुआ आलू। आलू को मैंने पूरी अच्छी तरीके से मैश नहीं किया था, तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इनको सॉटे करेंगे। थोड़ा सा मैश करते हुए सॉटे कर लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से मैश नहीं करना है, आलू ऐसे ही खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, यानी कि जब आप पूरा प्रॉपर मैश कर लोगे तो वो चोखा वाला जो कंडीशन होता है वो हो जाएगा। इसके बाद 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आलू ऑलमोस्ट हमारा नाइस गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस को। यहाँ मैंने जो नॉर्मल रेगुलर आप ब्रेड यूज़ करते हैं उसी को लिया हुआ है और एक नाइफ की सहायता से ब्रेड के किनारों को अलग कर लेते हैं। सारे ब्रेड के स्लाइसेस के किनारों को मैंने अलग कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लगाएंगे पानी। पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा पानी अप्लाई करना है और बेलन से हल्का सा रोल कर लेना है। बेलन का जो काम होता है उसको हल्का से हाथों से कर लेते हैं। उसके बाद ब्रेड के ऊपर रखेंगे तैयार की हुई फिलिंग्स। फिलिंग को थोड़ा सा अच्छे से हाथों से रोल कर लेंगे। उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस में भर के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि जो फिलिंग है हमारी अच्छी तरीके से अंदर बंद हो जाए, यानी एकदम अच्छी तरह वो मसाले वाले डिब्बों की तरह बंद नहीं कर लेना है, हल्का सा। उसके बाद इसको ये सी चॉपिंग बोर्ड में मैंने हल्का सा रोल कर लिया है ताकि लंबाई की शेप में आ सके और थोड़ा सा अच्छे से रोल हो जाए, थोड़ा सा देखने में सुंदर भी लगे। यानी खाने से ज़्यादा आँखों का जो कमाल होता है ना, यानी हम पहले खाना कैसे देखते हैं, आँखों से देखते हैं कि वो सुंदर लग रहा है या नहीं, तो वही हाल है। तो बेलन से हल्का सा रोल कर लेते हैं दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस को भी पानी लगाते हुए और उसके बाद फीलिंग डाल के इनको अच्छे से रोल कर लेते हैं ताकि जो हमारी अंदर वाली फीलिंग है, मन वाली फीलिंग नहीं, आलू की जो फीलिंग है वो बाहर ना निकले। इसको भी चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा ऐसे कर, आप चाहें तो हाथों में भी ऐसे रोल कर सकते हैं बट हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे ऐसे रोल कर लेते हैं। इसी बीच मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आप जब भी ध्यान दें कि आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे नहीं। लो फ्लेम पे क्या होगा कि वो ऑयल ज़्यादा पी लेगा और हाई फ्लेम पे क्या होगा कि वो जल्दी से नाइस गोल्डन कलर में टर्न तो हो जाएगा बट अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो हमें जब भी करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है, ब्रेड हमारा अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। इसी तरीके से करके आप सारे ब्रेड रोल्स को डीप फ्राई कर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना है। तो लीजिए हमारा ब्रेड रोल जो है ना, चटपटा ब्रेड रोल बनके रेडी है चाय के साथ सर्व करने के लिए। और मुश्किल से इसमें जो टाइम लगा है 10 मिनट लगा है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी है। वो स्मेल तो मुझे आ रही है ना, बहुत ही टेस्टी और कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर